हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को डिफरेंट मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ जो मेरे चैनल पे आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके का मैंने लाइन ड्रॉ किया अपने फेस पे, तो लाइन ड्रॉ करने से ही आपको पता चल गया होगा कि कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ मैं। तो क्या करने वाली हूँ इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे डार्क कलर का आई शेडो लेके अपने ये जो लाइन किया हुआ उसके बाहर बाहर पूरा इसको डार्क कलर में भर लूँगी, पूरा इसी तरीके से कलर लगाते हुए। तो इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी पूरे फेस पे इस तरीके से कलर को लगा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था। क्योंकि बस आपको इसी तरीके से सारे कलर को अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ एंड गर्दन पे भी मैं इसी तरीके से पूरा जो आउट लाइन के बाहर कलर है वो अप्लाई कर लेना है। ओके, फाइनल लुक बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा गाइस, और प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आउटलाइन के बाहर सब कुछ कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ले रही फाउंडेशन एंड फाउंडेशन को ही आउटलाइन के अंदर अंदर इस तरीके से अप्लाई करूँगी। और थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और पूरा लाइन के अंदर ही अंदर आपको इस तरीके से लगा लेना है। यहाँ पे आईब्रो को मैंने हाइड करने की कोशिश की थी बट ये अच्छे से हाइड हुआ नहीं। इसको हाइड करना है तो आपको ग्लू चाहिए होगा, फेविकोल नहीं, जो बच्चों का पेपर वगैरह चिपकाने वाला ग्लू आता है वो 10 रुपये वाला ग्लू लेना है। उससे आप इजीली अपने आईब्रोज को हाइड कर सकते हो। बट आईब्रोज को हाइड करने की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, बट मैं दोबारा भी लेके आ जाऊँगी। बट इसका लुक को एंजॉय कीजिए और देखिए क्या आता है मेरा फाइनल लुक। तो इस तरीके से फाउंडेशन को मैंने लगाया था, थोड़ा थोड़ा मैंने फिंगर टिप्स की मदद से इसको ब्लेंड कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है इसमें। और इसके बाद से मैंने क्या किया, इसके बाद से इसको ब्लेंड करने के बाद से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं इसको सेट कर लूँगी। उससे पहले मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से हाइड करने की कोशिश कर रही, बट ये एंड तक हाइड नहीं हुआ था, जैसे चाहिए वैसे नहीं हाइड हुआ था। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से थोड़ा थोड़ा इसको सेट कर लिया था ताकि ये निकले नहीं, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो ईजिली निकल जाएगा। तो उसी तरीके से डिफरेंट वीडियो जगह आपको देखनी है मेरे चैनल पे तो आप मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा। अब मैं आईब्रोज के ऊपर से ही आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ और इसको थोड़ा सा आईब्रो का लुक दे दे रही हूँ। अब दूसरी साइड तो हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बना दूँगी। उसके बाद हमको करना क्या, उसके बाद हम लोग अपना आई मेकअप करेंगे। उससे पहले मैं हाइलाइटर यहाँ पे इस तरीके से लगा रही हूँ ताकि मेरा जो ओरिजिनल आईब्रो है वो थोड़ा सा हाइड हो जाए, बट वो भी नहीं हो पाएगा। तो हाइलाइटर को मैंने पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे डार्क मैरून कलर का कलर लेके आई शेडो में से और इस तरीके से अपनी कट क्रीज पे अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने गोल्डन कलर का कलर लेके अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया था। बीच बीच में वीडियोस कट हो जा रही थी और अकेले सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत आता, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगाया है। आईलाइनर की जगह पे मैंने काजल ही लगाया अप्लाई किया हुआ है। आप आईलाइनर भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे मेकअप तुरंत हटाना था, बस मैंने ये लुक सोचा मैंने क्या बनाऊँ वीडियो, तो मैं आज कुछ डिफरेंट लुक बना रही थी इस तरीके से। और लो वाटर लाइन पर भी रेड कलर का आई शेडो लेके इस तरीके से लगा दिया है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइटर ले रही हूँ और हाईलाइटर को आईब्रोज के ऊपर लगाऊंगी, ओरिजिनल आईब्रोज के ऊपर, क्योंकि हमको हाईलाइटर हमेशा आई मेकअप करते टाइम आईब्रोज के जस्ट नीचे लगाना होता है, जिससे कि हमारे आई मेकअप का लुक अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ अपने ओरिजिनल लिप के ऊपर से, ताकि लिप जो है वो थोड़ा चौड़ा दिख पाए। ओके, काफ़ी प्यारा शेड है ये, जिस तरीके का शेड बहुत अच्छा लगता है, ऑल ड्रेस पे मिल जाता है। कहीं भी जाओ मार्केट शॉपिंग करने, आप नॉर्मल घर पे मतलब न्यूड शेड पे भी इसको लगा सकते हो। और आपको डार्क लिपस्टिक पसंद नहीं है तो आप ये ले सकते हो। ये मैंने दुकान से लिया था तो इसलिए मैं इसका आपको लिंक नहीं दे पाऊँगी, बट आप इसको दुकान से ले सकते हो। ये कलर सेम बेबी पिंक बोल के मैंने लिया था, बट ये थोड़ा सा डार्क है। फिर मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर का ग्लिटर लिया है और जो भी आउटलाइन है हमारे उसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी। ठीक, तो
वो इस तरीके से सारे कलर को अप्लाई कर लूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, जिससे कि जो हमारी लाइन बनी हुई है वो और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। तो पूरा इस तरीके से अप्लाई कर लिया है कलर को। अब हम लोग डबल लाइन इस तरीके से क्रिएट करेंगे और इसके नीचे हम लोग भरेंगे, इसके बीच में भरेंगे हम लोग सिल्वर कलर का ग्लिटर। इसके अंदर बीच बीच में जो लाइन बनाई है उसके बीच बीच में जस्ट सिल्वर कलर या हाँ सिल्वर कलर का ही ग्लिटर इस तरीके से लगाएंगे, जिससे लाइन जो है वो प्रॉपर दिखाई दे। इस तरीके से पूरा लाइन के अंदर सिल्वर कलर का जो कलर है उसको लगा दिया है। और उसके बाद दोबारा लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो लाइन है हमारी वो पूरा डार्क दिख पाए और लुक जो है वो काफ़ी अच्छा दिख पाए। इसके लिए इसके बाद मैं लाइट पिंक कलर का कलर भी लूँगी। मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पर पतला किया है और आइज के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ की है ब्लैक कलर की। आईब्रोज के नीचे सिल्वर कलर का ग्लिटर लेके इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी, जिसके बाद मेरी आईब्रो थोड़ी सी अच्छी दिख रही थी। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे इस तरीके से कलर अप्लाई करके इसीलिए मेरा फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक आज का। तो मैंने कुछ यहाँ पे वीडियोज़ बनाई थी, फ़ोटो क्लिक की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो कैसा लग रहा है गाइस ये फाइनल लुक, आई होप कि पसंद आया हो आपको। और अगर मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको इस तरीके की वीडियो और देखने में अगर इंटरेस्ट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि और अमेजिंग अमेजिंग वीडियो से आपके लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। और आपको कुछ मेकअप डिफरेंट चाहिए, कोई फ़ोटो है आपके पास, आप मुझे इंस्टा पर सेंड कीजिए, ताकि मैं उस टाइप का वो फ़ोटो देखे उस टाइप का मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने बांध के बाल वीडियो लिया था, यहाँ पे मैंने बालों को ओपन कर दिया है और थोड़ा सा फनी लुक करते हुए इस तरीके से मेकअप को दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया हो और वीडियो आपको पसंद आई हो। और मेरा लुक कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेकर पर आ पाऊँ। ताकि ये था थोड़ा सा इस तरीके का लुक, उसके बाद से मैंने मासूम का भी लुक बनाया था यहाँ पे। तो आपको कैसा मतलब इस टाइप का मेकअप देखना पसंद है या नहीं है प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सेकेंड चैनल पे मेरी शॉर्ट ब्लॉग वीडियोज अपलोड होते रहती हैं, तो वहाँ पर भी जाइए और देखिए, उस चैनल को भी आपको प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि वो भी चैनल ग्रो हो पाए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टा आईडी preetivahi24 है, तो वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और जो भी आपको क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हो। भाई मैंने बालों को बांध लिया था और बांधने के बाद मैं जा रही थी फेस को वॉश करने। उससे पहले मैंने थोड़ा सा वीडियो और बना लिया था। तो चलो मिलते हैं फिर। तो नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।